नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। इस मैच का रोमांच देखने लायक था तो आपको बताएंगे पूरी हाइलाइट्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहीं दोस्तों, आप केएल राहुल और रोहित शर्मा की करंट फॉर्म को कितनी रेटिंग दोगे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 26वां मुकाबला मुंबई के एब्रेबोर्न स्टेडियम और आमने सामने थी मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। टॉस जीता मुंबई इंडियंस ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने उतरे केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक और इन दोनों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज से खेलना शुरू किया और चौको चौको से मुंबई की बॉलिंग का स्वागत किया। लेकिन छठे ओवर में फैबन एलन ने डिकॉक को LBW आउट करके मुंबई को पहली सफलता दिलाई। डिकॉक ने 13 गेंदों में 24 रन बनाए और इस तरह लखनऊ ने 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना लिए थे। इसके बाद मनीष पांडे और केएल राहुल ने रनों की गति को कम नहीं होने दिया और शानदार चौके छक्के लगाकर टीम के स्कोर को 10 ओवरों में 94 रनों तक पहुंचा दिया था। और बॉलरों की धुलाई करते हुए केएल राहुल ने 33 गेंदों में अपनी 50 भी पूरी कर ली। मनीष पांडे ने आज अच्छी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए 29 गेंदों में 38 रन बनाए। उन्हें मुर्गन अश्विन ने बोल्ड किया। इसके बाद स्टोइनिस आए लेकिन आज वे कुछ खास नहीं कर पाए और उनादकट की गेंद पर रोहित को कैसे बैठे। स्टोइनिस ने 10 रन बनाए। विकेट तो गिर रहे थे लेकिन केएल राहुल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपनी पारी को धीरे धीरे शतक की ओर ले जा रहे थे। फिर केएल राहुल और हुड्डा ने 19वें ओवर में 22 रन जड़ दिए और साथ ही साथ केएल राहुल ने अपने आईपीएल करियर का 30वां शतक भी लगा दिया, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों का सहारा लिया। हुड्डा का भी आज एक छोटा सा कैमियो देखने को मिला। उन्हें उनादकट ने ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। हुड्डा ने 8 गेंदों में 15 रन बनाए और इस तरह केएल राहुल के तूफानी शतक की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई के सामने 20 ओवरों में 199 रनों का लक्ष्य रखा। गेंदबाजी की बात करें तो उनादकट ने 2, मुर्गन अश्विन और फैबन एलन ने एक एक विकेट अपने नाम किया। दोस्तों, जीत के लिए 200 रन बनाने के लिए मुंबई की तरफ से ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और ईशान किशन। लेकिन दोस्तों, लगता है रोहित शर्मा की बैटिंग पर नजर लग गई। आज भी मुंबई की शुरुआत खराब रही और रोहित शर्मा तीसरे ओवर में आविश खान की गेंद पर विकेट कीपर को कैच दे बैठे। लेकिन फिर बेबी एबी के नाम से जाने वाले ब्रेविस ने आज एबी डिविलियर के अंदाज में कुछ खतरनाक शॉट खेले और 5वें ओवर में 20 रन ठोक दिए। लेकिन तेज खेलने के चक्कर में उन्हें आविश खान ने हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। ब्रेविस ने 250 के स्ट्राइक रेट से 13 गेंदों में 31 रनों की शानदार पारी खेली और इस तरह मुंबई ने 6 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना लिए थे। लेकिन 7वें ओवर में ईशान किशन ने निराश किया और 17 गेंदों में 13 रन बनाकर स्टोइनिस के गेंद पर बोल्ड हो गए। यहां से फिर तिलक वर्मा ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को चलाना जारी रखा और 10 ओवर में 3 विकेट पर 93 रन बना लिए थे। अभी तक इस आईपीएल में मुंबई की तरफ से एकमात्र ऐसा खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव है जो बल्लेबाजी को अपनी जिम्मेदारी से खेल रहा है। वो आज भी अपनी टीम को जीत के करीब जाने में पूरी कोशिश कर रहे थे। यहां से फिर तिलक वर्मा ने सूर्य कुमार के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को चलाना जारी रखा और 10 ओवरों में 3 विकेट पर 93 रन बना लिए थे। इसके बाद 15वें ओवर में होल्डर ने तिलक वर्मा को बोल्ड कर चलता किया। तिलक वर्मा ने 26 गेंदों में 26 रन बनाए। मुंबई का स्कोर 15 ओवर में 125 पर 4 हो गया था। उन्हें जीत के लिए अब 30 गेंदों में 75 रनों की जरूरत थी। लेकिन 16वें ओवर में रवि बिश्नोई ने सूर्य कुमार यादव को 20-37 के स्कोर पर कैच आउट करा दिया। अब यहां से मुंबई को उनकी पहली जीत दिलाने की जिम्मेदारी किरण पोलार्ड के कंधों पर थी। आवेश खान आज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने 18वें ओवर में फैबन एलन को चमीरा के हाथों कैच आउट करा दिया। फैबन एलन ने 8 रन बनाए। अब मुंबई को 12 गेंदों में जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी। इसके बाद उनादकट ने कुछ शॉट जरूर दिखाए और 19वें ओवर में 17 रन बना लिए थे। अब 6 गेंदों में 26 रनों की जरूरत थी लेकिन पोलार्ड के पास ज्यादा स्ट्राइक न होने की वजह से मुंबई ये रन को नहीं बना पाई और ये मैच हार गई। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मैच को 18 रनों से जीत लिया। गेंदबाजी में आवेश खान ने 3, होल्डर चमीरा, रवि बिश्नोई और स्टोइनिस ने एक एक विकेट अपने नाम किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस हर बार कहां गलती कर देती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।